पुरैना कला के सरस्वती शिशु मंदिर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों के अलावा बच्चों के पालक गण भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नवाग्राम भारती जिला समिति के जिला सदस्य राजकुमार शर्मा ने कहा कि संस्कार हमारे खून में होना चाहिए। यदि हम अपनी संतान को सामाजिक प्राणी बनाना चाहते हैं तो अच्छे विचारों का आरोपण बचपन से ही करना आवश्यक है। यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसके लिए 100% प्रयास करना ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र में योग्यता होती है और उसे पहचानने की जवाबदारी माता पिता और उनके गुरु की होती है। कार्यक्रम में छात्रों ने सुंदर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर संकुल प्राचार्य अर्जुन सिंह कुशवाहा, संतोष तिवारी, सरपंच विनोद पटेल, योगेश पटेल, राजेंद्र पटेल, सरोवर पटेल के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। बच्चों पे पूरी तरह से लागू होती है। बंसी बीड़ा के बजे, बंसी बीड़ा के लगे सुर उनको अनमोल, जिन्होंने कभी ना सुने हो शिशु के तुतले बोल। ये ऐसा ही लग रहा था कि इनको नाचना नहीं आता, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में अपने बच्चे यहाँ हाथ पांव हिलाते हैं तो हमारे बच्चे सबसे अच्छे दिखते हैं। आप सभी को पता है कि शिशु मंदिर, अभी एक भैया ने बताया था कि शिशु मंदिर विद्या भारती का हमारा एक लक्ष्य क्या है। ऐसे हमारे विद्यालय का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि देश को एक उज्जवल भविष्य देना है, उसके लिए हमें भारत के एक अच्छे नागरिकों का एक निर्माण करना है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है और पूरी विद्या भारती इस योजना में लगी हुई है। लोगों को है ना, बोलो भारत माता की, बस शांत रहना है ना। तो इस लक्ष्य को लेके विद्या भारती आगे बढ़ रही है। संस्कार के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम, विद्यालय के द्वारा छोटे छोटे गीत और जो खेलकूद बताए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों का व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और हमें माता पिता होने के नाते हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे हैं, क्या सीख क्या रहे हैं और उसमें हमको उनको कैसे सहयोग करना चाहिए, ये हमको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं और उनमें जब घर से बाहर पढ़ने जाते हैं शहरों की तरफ, तो कई प्रकार